तो हेलो गाइस, वेलकम टू एच जी ऑफिशियल गेमिंग पर। गाइस तो आज हम आ चुके फिर से माइनक्राफ्ट लेकर। गाइस तो इस वाले वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। गाइस सही है, जो आपके सर्वाइवल सीरीज़ के लिए या फिर सर्वाइवल सीरीज़ के लिए स्काई वॉलॉक के लिए मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, कि कैसे यहाँ पर और भी रिसोर्स लाएँ, मतलब यहाँ से यहाँ पर कैसे फार्मिंग करें, कैसे सही है, और उसके बाद कैसे पानी बनाएं यहाँ पर, सही है। तो ये चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अभी, लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, देखो गाइस अभी मतलब घर तो सही सलामत हो चुका है गाइस, लेकिन अभी उस तरफ देखो मैंने थोड़ा लाइट वगैरह लगा के आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा जॉम्बीज होते थे कि भाई मैं मारने के लिए जाता हूँ ना तो खुद मर के आ जाता हूँ वापस, सही है। और उसके बाद वो क्रीपर वगैरह ना बहुत फूटते हैं, तो डैमेज भी होता है ना मेरा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर लाइट वगैरह लगा देता हूँ, जो ऊपर से गिरेंगे उनको लेंगे, आराम से ज़िंदगी चली जाएंगी। तो गाइस अभी देखो मेरे पास क्या चाहिए मुझे अभी, तो मुझे भी फार्म बनाना पड़ेगा, मतलब एक खेती करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस खेती इस जगह पर ही करूँ, सही है, यही जगह पर ठीक रहेगा। तो यही मैं सोच रहा हूँ गाइस कि यहाँ पर मैं खेती करने वाला हूँ अभी, तो उस तरह भी करेंगे। तो इसके लिए खेती के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे तो बहुत ज़्यादा इसे डर्ट चाहिए, एक्चुअली डर्ट चाहिए और क्या चाहिए मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, डर्ट के ऊपर ही हो जाएगा। और डर्ट चाहिए और मुझे चाहिए क्या कहते हैं उसे, डंड हड्डी वगैरह, मतलब बोन मील, सही है, बोन मील चाहिए हमें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले तो हमें लकड़ी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो लकड़ी पहले काट ले। तो मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा लकड़ी यहाँ पर हो चुकी है ना गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी वगैरह काट लूँ पहले, मतलब जितनी ट्री है सबको काट डालता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूरा अच्छी तरह से बताता हूँ। नहीं तो ये ट्री वगैरह वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं गाइस, बहुत दिक्कत करते हैं यार, ऐसे भी वैसे भी बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, सही है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। तो गाइस मैंने पेड़ वगैरह तो काट लिया, अभी क्या करो, ट्री प्लांटेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो अभी अब पेड़ लगाने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और इन लोगों को तोड़ देंगे गाइस, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है इन लोगों के लिए गाइस, सही है। और तो ये देखो मैं ट्री प्लांटेशन भी करता जा रहा हूँ, अभी करता जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी गाइस ट्री प्लांटेशन भी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्री उगाने के लिए यहाँ पर पेड़ वगैरह है ना, मतलब मिट्टी है बहुत ज़्यादा पेड़ उगने के लिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ से भी फास्ट फॉरवर्ड करूँ क्या, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो इस ट्री प्लांटेशन हो चुका है मेरा, अभी जितने सारे ये देखो मेरे पास ये लकड़ी है ना गाइस, सबसे मैं प्लैंक्स निकाल लूँगा गाइस। तो ये उड के मतलब ये ट्री से मैं प्लैंक्स बना रहा हूँ अभी, सही है, मतलब दो तीन स्टैक हो गए गाइस, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं बहुत ज़्यादा ये निकालता हूँ, एक स्टैक ही सही होगा। हाँ ओके गाइस, एक स्टैक मैं स्लैब भी बना लिया, सही है, एक स्टैक स्लैब तो हो गया मेरे पास, और कुछ चाहिए क्या, और तो मुझे नहीं लगता, सही है, और भी ओके और हो चुका है, और भी हो चुका है, दो स्टैक हो चुका है गाइस, सही है। तो दो स्टैक मैंने कर लिया यार, दो स्टैक हो चुका है मेरे पास, अभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दो स्टैक मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, सही है। और तो छोड़ते हैं अभी इन लोगों को, और चलो ये कलेक्ट कर लेता हूँ पहले एक बार मैं, क्योंकि कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइस इन लोगों को, ये हमें नेक्स्ट बार के लिए लगाने पड़ेंगे नेक्स्ट बार, सही है। ये देखो अभी देखो लगा रहा हूँ मैं अभी भी, तो अभी ये देखो मैं ये देखो ऊपर ऊपर देखो ऊपर देखो गाइस वहाँ पर है, देखा झूल रहा है बेटा वहाँ पर, वो इतनी आसानी से झूल कैसे रहा है बेट, तुझे भी मैं लेने वाला हूँ अभी। तो ये मैंने गिरा दिया ढील फेंक फेंक कर तोड़ तोड़ कर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये लामा बहुत अच्छे काम करते हैं, सही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शायद ये लोग, तो मैं लामा को तो रख दूंगा गाइस। और मैं एक बनाने वाला हूँ एक ऐसी स्पॉनर, मतलब एक स्पॉनिंग जगह बनाने वाला हूँ, जहाँ पर ये सारी चीज़ें स्पॉन होने वाली है, तो वहीं पर ही मैं लामा फामा को रखने वाला हूँ एक साथ, सही है, जिससे स्पॉन होने की तादाद थोड़ी बढ़ जाए। और गाइस यहाँ पर हम बनाने वाले हमारा फार्म गाइस, सही है। तो फार्म के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ उस जगह को, मतलब इतने छोटे जगह में फार्म तो नहीं होने वाला है, लगभग चार ब्लॉक का तो होना ही चाहिए फार्म, मतलब इस तरफ का, तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, सही है। तो अभी तो देखते हैं गाइस अभी क्या चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा बोन मील चाहिए, जिससे हमें डर्ट बनाना होगा, डर्ट को हमें फिर से बोन मील के साथ मिक्स करके उसे एक ऐसा डर्ट बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर घास उगता हो, सही है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी प्रोसेस इस वीडियो में ही होगा।
तो ऐसे यहाँ पर देखो मेरे पास एक स्टैक बोन है गाइस, सेम बोन मिल नहीं बोन है, एक स्टैक मैंने इकट्ठा कर लिया था बोन गाइस, एक स्टैक और दो एक्स्ट्रा सही है। तो इनसे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस पता है आपको, इनसे मैं करने बोन मील रेडी करने वाला और बोन मील से गाइस मैं डर्ट बनाने वाला हूँ सही है। जो आपको सबको ही पता है कि डर्ट कैसे बनाता है ये देखो गाइस। तो बोन मील कितने से बनते हैं मैं आपको देख लेता हूँ। तो एक स्टैक तो गाइस हो चुका है अभी तक और दो स्टैक भी हो चुका है, लगभग तीन स्टैक शायद बन जाएगा। ओके गाइस तो मतलब तीन स्टैक ही बने हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनसे मैं कुछ डर्ट से मैं ये बनाता हूँ, 16 बनी है तो 16 से हो जाएगा शायद, देख लेते हैं गाइस एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, एक दो तीन ओके तो हो जाएगी शायद सही है। और गाइस अभी क्या करना पड़ेगा पता है गाइस आपको, ये डर्ट के ऊपर मतलब ये डर्ट में तो नहीं आएंगे ना वो घास वगैरह, तो इसके ऊपर बोन मील रखना और ये घास वगैरह उगने वाली ग्रास ब्लॉक कहते हैं इसे, तो ये ग्रास ब्लॉक लेना गाइस ठीक है। तो ये क्या मैंने ये वाइट पेंट क्यों ले लिया मुझे पता नहीं गाइस, थोड़ी दिक्कत होगी। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये ग्रास ब्लॉक को हम लगाएंगे मतलब घास वाली मिट्टी सही है, घास वाली मिट्टी आई है तो घास वाली मिट्टी को हम लगा देंगे यहाँ पर, और तो सही तरह से लगाते हैं। तो यार यहाँ पर गाइस ये थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं जिससे हमें उठने के लिए आसानी होगा, देखने के लिए भी आसानी होगी, मतलब देखने के लिए आसानी मतलब देखने के लिए अच्छी लगेगी सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अभी इसे लगा देते हैं फटाफट हम, तो फास्ट फॉरवर्ड एंजॉय कीजिए इसे सही है। तो गाइस देखो अभी मैंने सब कुछ को लगा दिया सही तरह से, और ये क्या यहाँ पर क्यों गिर गया। तो गाइस इसे भी हम लगाने वाले नीचे की तरफ करके ओके, तो ये नीचे वाला। तो गाइस ये वाला ब्लॉक मैं क्यों दे रहा हूँ आपको बताया गाइस, यहाँ पर पानी स्टोर होने करने के लिए गाइस सही है, यहाँ पर मैं पानी स्टोर करने वाला हूँ, तो आसानी से हो जाएगा पानी स्टोर। तो मेरा डर्ट सब खत्म हो गया, ये देखो बीच में मैंने ऐसे ही बनाया था एक पानी स्टोर करने के लिए, देख सकते हो ये वाला भी सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर आपको बोन मील छिड़कना होगा गाइस सही है, ऐसे करके बोन मील क्लिक करो और देखो ये पेड़ वगैरह उठ के आएंगे, थोड़ी घास वगैरह आएंगे सही है गाइस, ये घास वगैरह आपको तोड़ना है गाइस वो सीड मिलने के लिए गाइस सही है। तो गाइस अब ऐसे ही करके तोड़ना पड़ेगा बहुत बार, जितने बार चाहो तोड़ सकते हो, मतलब जब तक आपके पास सीड नहीं आते ना, सीड आने तक आपको करना ही पड़ेगा सही है। तो मैं भी करता हूँ गाइस सीड आने तक ही, तो इसके लिए आपको बोन मील भी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने पहले ही कहा था गाइस कि यहाँ पर बोन मील का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब आपको स्केलेटन्स चाहिए ही चाहिए, ज़ॉम्बी आपको चाहिए ही इस गेम को आगे बढ़ने के लिए गाइस, क्योंकि बोन मील तो आपको ऐसे नहीं मिलने वाली है ना गाइस। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी बोन मील से तोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता कि नहीं। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जब तक नहीं मिलता है गाइस उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सही है। तो गाइस अभी तोड़ते हैं गाइस, ये देख सकते हो मैं तोड़ रहा हूँ अभी भी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला गाइस। तो ओके एक मिल चुकी है गाइस, अब मुझे अभी एक मिल चुकी है गाइस, और ये सामने देखो और एक गिरा हुआ है, तो पहले मैं तोड़ लेता हूँ। और तो ओके आ चुका है मेरे पास, दो आ चुके हैं गाइस अभी तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास दो आ चुके हैं और दो से मोर देन इनफ है गाइस, क्योंकि एक होगा और उससे अभी दो बीज मिल जाएंगे हमें, ऐसे ही मिलता है गाइस, एक लगाओगे गाइस तो उससे दो मिलेंगे, दो लगाओगे तो उससे चार मिलेंगे, चार लगाओगे उससे आठ मिलेंगे गाइस, तो ऐसे करके बढ़ता रहता है गाइस ये चीज़ से ठीक है। तो कोई एक मिलना ही ज़रूरी होता है, ऐसे ही एक हो जाए अगर तो उसके बाद ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। और अगर आपके पास तो बोन मिल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है गाइस तो वो लोग को लगाओ और उसके बाद उससे उन पर बोन मिल फेंक दो, दो की तीन फेंक दो बड़ा हो जाएगा, फिर से काटो फिर से लगाओ, फिर से काटो फिर से लगाओ, तो आसानी से बहुत जल्दी गाइस ये हो जाएंगे गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सही है। और जब आपके पास बहुत एक खेत पर रेडी हो जाएगा ना गाइस तो बहुत जल्दी उग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ऐसी सही है। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा चीज़ें है अभी भी, और अभी मुझे क्या चाहिए वो चीज़ सही, मतलब यहाँ से लकड़ी लेता हूँ, मतलब मुझे बनाना होगा वो वाली चीज़ें जिससे खेती करते हैं ना लांगल, मतलब उसे क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है, वो चीज़ चाहिए हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं वो चीज़ भी। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और इसे यहाँ पर प्लेस करता हूँ गाइस, ये वाला ब्लॉक का है यहाँ पर प्लेस करो, नहीं गाइस तो यहीं पर ही प्लेस करना तो सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर प्लेस करना गाइस सही है। तो यहाँ पर या फिर सही होता अगर प्लेस कर, तो अगर ठीक है यहीं पर प्लेस करता हूँ मैं अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेस किया जा सकता है यहाँ पर। और जैसे पहले तोड़ते हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है।
ओके तो अभी मैं तोड़ रहा होगा इस, ओके तो टूट गया और यहाँ पर मैंने बैठा दिया गाइस, तो आसानी हो जाएगी मुझे क्राफ्टिंग टेबल यूज़ करने के लिए गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पर मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये कैसे लगाना पड़ता है मैंने बता दिया था इसके ऊपर कैसे लगाना पड़ता है। तो गाइस पहले आपको दिखाता हूँ, पहले आपको ये चाहिए मतलब लकड़ी चाहिए स्टिक, ठीक है, तो मैंने स्टिक बना लिया अभी। तो स्टिक को कैसे रखना पड़ेगा अब बताता हूँ मैं, तो स्टोर ऐसे रखो, स्टिक को ऐसे रखो तो मिल जाएगा आपको ये, सही है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइस, सही है, इससे हम खेती कर सकते हो। और ये देखो मैंने सीड भी लगा दिया गाइस, तो ये सीड बड़ा होने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लेगा गाइस, तो लेने देते इसे थोड़ा सा टाइम, कोई दिक्कत वाली तो ऐसी बात नहीं है। और चाहो तो आप बोन मील भी दे सकते हो इसके ऊपर, तो मेरे पास और भी 3 डर्ट है और 1 डर्ट चाहिए शायद। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये जो मैंने कहा था ना गाइस पानी, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ पानी भी बना लेता हूँ, क्योंकि बीच में पानी देना जब बनता है ना गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस पानी कितना तक तो बनाऊँ, तो इन्फिनिटी वाटर करके एक चीज़ होती है गाइस इसके अंदर, सही है, इन्फिनिटी वाटर करके गाइस सब जगह पर होती है, तो इन्फिनिटी वाटर बनाने की मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार, सही है। तो इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, मुझे और एक डर्ट चाहिए, मतलब और बहुत सारी डर्ट चाहिए जिससे मुझे और एक डर्टी आइस मिलेगी गाइस, सही है। तो डर्ट बनाना जितना मेरे पास है गाइस डर्ट बनाता हूँ गाइस, उससे मुझे डर्टी आइस मिल जाएंगे, मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पर ना, तो इससे 3 से ही हो जाता है शायद गाइस, सही है, तो 4 करने की ज़रूरत पड़ती है, 3 से ही हो जाती है। तो 3 डर्टी आइस से भाई मैं डर्टी आइस इकट्ठा कर लेता हूँ, तो डर्टी आइस इकट्ठा करने के लिए गाइस आपको डर्ट चाहिए, और डर्ट को 9 बॉक्सेस में आपको भर देना पड़ेगा, तो एक डर्टी आइस मिलती है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब सोचो एक बात आप, तो मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ, तो बैटरी लो हो गया कोई बात नहीं, तो ये देखो गाइस यहाँ से मैं तोड़ लेता हूँ, ये आया कि पता नहीं नीचे तो कि नहीं गिर गया ना, आया शायद पता नहीं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ सुन लो, तो पहले आपको ज़ॉम्बी से लड़ाई करना पड़ता है गाइस, सही है, ज़ॉम्बी से लड़ाई करो उसके बाद आपको बोन मिलेंगी, तो बोन को लेकर यहाँ पर रखो, उससे बोन मील मिलेगा, और बोन मील को अभी फिर से रखो तब आपको डर्ट मिलेगा, और डर्ट को फिर से रखो तो फिर आपको जाके मिलेगा एक डर्टी आइस, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात मिलती है, और लावा तो आपको पता ही है कैसे मिलती है, ओ भाई साहब, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के बाद हमें मिली थी। तो और यहाँ पर देखो गाइस ये देखो एंडर पल मुझे चाहिए, इससे मुझे एंडर पल चाहिए यार, देगा क्या पता नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखते गाइस ये डर्ट देता कि नहीं, तो दे दे भाई एक डर्ट दे दे मुझे, ओके ये तो डर्ट नहीं देता गाइस, ये तो बोन मिल देता है बस, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक डर्ट मुझे मिल गई, 8 हो चुके गाइस, और एक चाहिए गाइस, और एक से हो जाएगा मेरा काम, और ये दे सकता, ओके इसे फेंक के क्या करूँगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी देखते मेरे पास क्या है, कहीं पर भी नहीं है। तो गाइस मैं पहले इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये सैपलिंग्स वगैरह को मैं गिराता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सही है, पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि यहाँ से ही ले लूँ क्यों ना, एक डट यहाँ से ही ले लूँगा गाइस, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होगी ऐसी, तो एक डट गाइस मैं यहाँ से ही लेने वाला हूँ अभी, तो इसे तोड़ते आ जा मेरे पास। अबे नीचे गिर गया यार, क्या यार समझ में नहीं आता यार, नीचे गिर जाती है ये चीज़, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। ओके ये आ चुकी है, ओके गाइस तो एट लास्ट मेरे पास 9 हो चुके ब्लॉक, मतलब डट के ब्लॉक 9 हो चुके हैं, तो यही चाहिए था हमें, अभी चलते हैं गाइस मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल पर, और ये क्या कर रहा हूँ, ओके और यहाँ पर पूरा भर देना है ऐसे करके, तो आपको डर्टी आइस मिल जाएगी, और डर्टी आइस को आपको क्या करना पड़ेगा बताया गाइस, आपको फर्नेस पे रखना होगा, डर्टी आइस को अगर फर्नेस पे रख दोगे ना गाइस उसके बाद आपको हो जाएगा, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ आइस होने के लिए, सही है, तो आइस होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। तो गाइस लगभग आइस बन चुके हैं, तो देखते हैं गाइस, हाँ गाइस तो आइस हमारा बन चुका है, ये देखो गाइस 4 आइस के ब्लॉक बन चुके हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 आइस के ब्लॉक से मोर देन इनफ होगा गाइस हमें, और तो दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, सही है। तो यहाँ पर हम एक जगह बनाने वाले हैं अभी, ये देखो गाइस ऐसे करके एक जगह बनाते हैं पहले, जहाँ पर हम रखेंगे आइस को, सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे पहले बनाता हूँ मैं जल्दी झटपट करके बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक तक अंदर छोड़ेंगे, मतलब इस तरफ 2 ब्लॉक उस तरफ 2 ब्लॉक, मैं 4 ब्लॉक टोटल अंदर तो छोड़ जाएंगे, तो ये रहो, ओके और एक चाहिए, ओके तो अब यहाँ से गाइस यहाँ से हम सामने की तरफ ले जाएंगे, तो ले चलते हैं, ओके और एक, ओके और एक देता हूँ यहाँ पर जिससे अच्छी लगी गई जगह। तो जगह तो अभी हो चुकी है गाइस बहुत ही बढ़िया थोड़ी बहुत, और अभी नीचे काम करते गाइस ये दे देते हैं स्लैब्स, ओके स्लैब से मोर देन इनफ हो जाएगा शायद गाइस, सही है, तो मैंने तो स्लैब्स ही लगाया गाइस यहाँ पर। तो अभी क्या करने वाले गाइस, आइस को हम उसके ऊपर रखने वाले गाइस, सही है, तो आइस तो हो चुकी है हमारे पास, ये देख सकते हो मैंने ले लिया था पहली, तो मैं भूल गया यार, बहुत ज़्यादा भूलता हूँ आजकल, मुझे बताया मैं फिर से आइस लेने के लिए गया था, लेकिन अभी देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आइस लेंगे और आइस इसके ऊपर रखेंगे, सही है, और इसे तोड़ने वाले हैं। और तो गाइस एक चीज़ नोटिस किया गाइस
कि आइस थोड़ा ऊपर है। ओके तो ये क्या चीज़ हुई, ये देखो पानी थोड़ा ऊपर है गाइस। और अबे क्या किया मैंने, एक वाटर को नष्ट कर दिया भाई। तो एक वाटर हमारा नष्ट हो चुका, अभी तीन बचा हुआ है गाइस। क्या बताऊँ मैं, काम ही ऐसा करता हूँ नष्ट करने वाली। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो नीचे वाला देख रहे हो, इसने ये थोड़ा फ्लोट कर रहा है, मतलब उड़ के आ रहा है, तो ये स्लैब्स की वजह से हो रहा है गाइस। तो मैं स्लैब्स को हटा देता हूँ गाइस, तो ये तो गिरेंगे नहीं अभी मुझे पता है। तो गाइस स्लैब्स हटा कर मैं यहाँ पर प्लैंक से लगाता हूँ, सही है। तो प्लैंक से ये वो गैप और नहीं रहेगा गाइस, सही है। तो अभी यहाँ पर भी कर देने वाला हूँ मैं, और ये दोनों स्लैब्स बाकी है मतलब, तो कि इन दोनों को भी तोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही है। और ये देखो टूट तो गए अभी, और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगा चुका हूँ मैं इसे, और इसके ऊपर तो यहाँ से मैं फिर से देता हूँ गाइस ये, जिससे ये अच्छी लगने वाली है, फिर से दे देता हूँ। ओके ये भी प्लैंक्स है, और यहाँ पर भी मैं प्लैंक्स दे दूँगा। ओके ओके तो ये मैं मुझे तोड़ना पड़ेगा, ये फिंस वगैरह ना तोड़ना पड़ेगा, जिससे फिंस से अच्छी लुक नहीं आ रही है। अगर फिंस हटा देंगे ना तो यहाँ पर अच्छी लुक आ जाएंगी, सही है। तो फिंस को मैं हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं ये प्लैंक्स लगाऊंगा, सही है। और ये वाली फिंस भी हटाता हूँ मैं, जिससे दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी, और बहुत खूबसूरत भी बनाने वाली ये चीज़ को हम, सही है। तो ये भी हमें ध्यान में है, तो ऊपर की तरफ रख के ये तोड़ना पड़ेगा, और इसे भी। तो गाइस देखो अभी फ्लो एक तरफ हो चुका है, तो यहाँ पर और एक आइस रखूँ और ये कर दूँ। और ये देखो गाइस ये वाटर स्टील हो चुकी है, और जो वाटर गाइस स्टील रहती है ना गाइस, वो वाटर इन्फिनिटी वाटर होती है, मतलब आप वहाँ से वाटर ले सकते हो, लेकिन वो वाटर को स्टील होना चाहिए गाइस, सही है। तो अभी मैं देखो गाइस मेरा वाटर स्टील हो चुका है, तो शायद हो चुका है। अभी क्या करने वाले गाइस, अभी ग्रेवल बनाने वाले हम, स्टोन से ग्रेवल, और ग्रेवल से फिर कन्वर्ट करके नगेट बनाने वाले गाइस, सही है। तो ये देखो गाइस ग्रेवल, पहले कबल स्टोन से ग्रेवल बनाना गाइस, सही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कवर स्टोन से ग्रेवल, और ग्रेवल से गाइस नगेट बनाना गाइस। ये देखो नगेट, तो नगेट से क्या होता है आपको पता ही है, ये है नगेट आयरन नगेट, दूसरा कैसे कहने, ये आयरन नगेट बनता है गाइस। तो आयरन नगेट को अगर ऐसे करके भर दोगे ना गाइस, तो आयरन इग्नट मिलता है गाइस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सही है। आयरन इग्नट मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इग्नट चार बना चुका हूँ, और भी बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है ना अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इससे मैं इग्नट भी बनाता हूँ जल्दी जल्दी करके। ओके तो फिर से बहुत सारे हो चुके हैं, अभी दो हो चुके हैं, छः हो चुके हैं टोटल मेरे पास, और नहीं चाहिए। तो ऐसे करके मैं एक बकेट बनाता हूँ गाइस, ये तीन चाहिए मुझे, तो बकेट बना लिया हमने। तो मैं आपको दिखाता हूँ बकेट का, ये देखो सही है। तो ये बकेट से मैं यहाँ पानी ले सकता हूँ गाइस, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखो गाइस पानी ले लिया ना, बहुत ही आसान है गाइस, ये देखो पानी ले लिया अभी। तो ये यहाँ पर वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया गाइस, कैसे आयरन बनाते हैं, कैसे आयरन से चीज़ें बनाते हैं, कैसे हम इन्फिनिटी वाटर बनाएंगे, और कैसे हम फार्म बनाएंगे गाइस। तो मैंने कहा था ना गाइस वीडियो जो भी होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया वीडियो होगा ऐसे। तो अभी मैंने यहाँ पर दे दिया गाइस, ये देखो पानी दे दिया यहाँ पर, और पानी बहुत ही अच्छी तरह से स्टील हो चुके हैं यहाँ पर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लोग भी आपको पानी मिलता रहेगा, तो अच्छी तरह से ग्रो होने वाली है ये लोग भी, सही है। और जितनी बात है पहले मैं देख लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार देखो मैं चारकोल लेता हूँ गाइस, क्योंकि हमें टॉर्चेस जरूरी है गाइस अभी, सही है। टॉर्चेस से थोड़ा सा सजावट करने वाले हैं हम, सही है, मतलब खूबसूरत दिखाएंगे इस सारी चीज़ को। तो हम टॉर्चेस ले लेंगे अभी, तो बनाते हैं ना। तो गाइस अभी चलो गाइस, अभी हमें कहाँ कहाँ पर टॉर्चेस लगाना होगा मैं बताता हूँ आपको, सही है। तो ये दो टॉर्चेस पहले मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाता हूँ अभी, सही है, और ब्लॉक के ऊपर एक टॉर्च लगाता हूँ अभी, जिससे यहाँ पर उजाला बनी रहेगी गाइस, सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उजाला रहेगी तो। और इस तरफ आगे ठीक है गाइस, यहाँ पर एक ही लगाते हैं गाइस, सही है। ओके तो ये से ऐसे करके रख देता हूँ, जिससे आसानी हो जाएगी मेरी, मतलब ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझे करने में सारी चीज़ को, सही है। और ये देख सकते हो, और गाइस अभी चलते हैं अंदर की तरफ चलो, और यहाँ पर भी लगाएंगे, क्योंकि ये देखो गाइस रोशनी जब होती है ना गाइस, तो दिखने के लिए अच्छा होता है, और ज़ॉम्बीज भी स्पॉन नहीं होते गाइस, ठीक है। अगर एक बार भी एक क्रीपर स्पॉन हो गया और मेरे वजह से वो फूट गया ना गाइस, तो मैं तो पूरा मिट्टी में लूट जाऊँगा यार, मिट्टी में बह जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तब। तो गाइस यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी अच्छे लगते हैं गाइस, ठीक है। तो इसे पहले तोड़ते हैं गाइस, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। अबे यार टूट जाए यार, कितने देर लेता है टूटने के लिए। तो टूट गए गाइस, अभी यहाँ पर सोच रहा हूँ क्या लगाऊंगा, ये बताओ गाइस अब क्या लगाऊं मैं। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्टेयर लगा दूँ यहाँ पर, क्या कहते हो गाइस। तो पहले मैं देखता हूँ कौन सा वाली चीज़ अच्छी लगने वाली है यहाँ पर। तो ये देखो गाइस यहाँ पर स्टेयर है, सही है, और यहाँ पर स्लैब्स भी है, लेकिन स्लैब्स भी लगाने वाले नहीं है हम, सही है। तो क्या करने वाले अब आपको पता है गाइस। तो यहाँ पर मैं ये स्टेयर लगाने वाला हूँ गाइस। ओके उल्टी लग गई यार, उल्टा कौन चलेगा इस पर, ठीक है। पहले तोड़ना पड़ेगा फिर से। अबे टूट जा यार। ओके तो टूटेगा नहीं अभी,
तो मुझे काम करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर पिकैक्स लाना पड़ेगा। ओके तो पिकैक्स लेकर इसे तोड़ना पड़ेगा गाइस, जल्दी टूट जाएगी। ओके तो टूट चुके हैं गाइस, अभी देखो गाइस ये चीज़ कैसी लग रही है, और अभी से पूरा चेंज करने वाले, बहुत खूबसूरत लगाने वाला। तो ये देखो गाइस, मैंने ये पर स्टेयर लगाया ना गाइस, तो ऐसे ही लगाऊंगा, सही है ऐसे ही लगाने वाला हूँ। और स्लैब्स बनाने पड़ेगा यार, पता है मुझे स्लैब्स चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर है क्या, अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बना रहा हूँ क्या, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक लगाता जा रहा हूँ मैं। ओके तो अभी मुझे स्लैब्स चाहिए, तो थोड़ा स्लैब बना रहा हूँ मैं, जिससे ये नीचे वाला गैप है ना जो गाइस, गैप चला जाएगा, ऐसे ही दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो स्लैब्स बनाता हूँ पहले मैं, तो अबे वो हाँ हुए तो सही हो चुकी है। और ये पता है स्लैब लगाता हूँ मैं, ओके तो सही रहेंगे स्लैब, हाँ स्लैब्स के लिए बिल्कुल सही है। तो अभी क्या करने, अबे क्या हो रही है, ओके तो नीचे वाला चीज़ स्लैब है ना गाइस, इसलिए इसके ऊपर नहीं आने वाली ये सारी चीज़ें, सही है। तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, अभी साइड में ही लगाता हूँ मैं, रुक जाओ। तो ये रहा ये, और एक इतना ही सही है, और इस तरह भी लगाता है गाइस, क्या कहते हो, हाँ गाइस ये सही लग रहा है गाइस। तो मैं चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पर कुछ और लगाऊँ, मतलब ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कहाँ है। तो ये देखो ये वाला स्लैब है ना गाइस, मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्लैब लगाना चाहता हूँ, तो ये वाला स्लैब लगाने ट्राई करता हूँ। तो ये पर लग चुकी है, और ओके तो यहाँ पर ओके गाइस, अगर स्लैब आप नीचे लगाते हो, एक ब्लॉक का दो दो एक स्लैब एक ब्लॉक का दो ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है ना, एक नीचे लगता है एक ऊपर लगता है, तो आपको यहाँ पर लकड़ी यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप नीचे की तरफ लगा रहे हो, सही है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मुझे पता है, सही है। और देखता हूँ मैं यहाँ पर फिर से लकड़ी का ही लगाना पड़ेगा, तो फिर से मैं लकड़ी लगाता हूँ यहाँ पर, ये देखो। और ये तोड़ देता हूँ पहले मैं, तोड़ूँ ओके, हाँ तोड़ना ही पड़ेगा गाइस, सही है। तो इसे तोड़ कर मैं सही बनाता हूँ पहले, ये देखो तोड़ रहा हूँ मैं, और तोड़ के गाइस ये पत्थर का बनाऊंगा मैं सब कुछ, सही है। दो स्लैब करके लगाता हूँ, एक पत्थर बन जाएगी। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो बहुत अच्छी लग रही है अभी, देख सकते हो। तो यहाँ पर एक लगाऊंगा, और यहाँ पर फिर से तोड़ना पड़ेगा मुझे, तो फिर तो तोड़ के यहाँ पर भी एक लगाऊंगा, और इसके बाद यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा गाइस मुझे, ये भी तोड़ना पड़ेगा, सही है। तो तोड़ने के बाद ये देखो लगा दिया ना, तो बिल्कुल गाइस बहुत अच्छी तरह से हो चुके हैं गाइस, देख सकते हो आप। और ये देखो मेरा ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस अभी, तो इसे यहाँ पर से मैं गिर ना जाऊँ नीचे के लिए, इसके लिए मुझे सेफ्टी भी चाहिए गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिरता हूँ नीचे के लिए, नीचे में तो सेफ्टी भी चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सेफ्टी ले लेता हूँ पहले, यहाँ पर फिंस लगा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस फिंस तो हमने लगा लिया, पहले इसे भी तोड़ते गाइस, ठीक है इसे तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर फिंस लगा दिया हमने, और फिंस के ऊपर गाइस, फिंस के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइट लगा दूँ, सही है कैसी रहेगी बताओ। तो एक ही बचा है मेरे पास लाइट, तो ओके तो एक से तो नहीं लगने वाला है मुझे, सही। तो मैं और भी लगाने वाला हूँ यहाँ पर लाइट, टॉर्चेस लगाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं काम करता हूँ गाइस, बना लेता हूँ टॉर्चेस अभी सिंपली, सही है। तो कहाँ पर रखा था मैंने ये तो पता नहीं है, ओके मिल गया। ओके तो अभी ये 6 है ना गाइस, और ये पर मेरे पर डंडिया भी है बहुत सारे, 10 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, डंडिया से हम गिली डंडा खेलने वाले हैं आज। तो 24 हमें टॉर्चेस मिल गई है डंडी और गिली डंडी के लेकर, कोल के साथ गिली डंडा खेलने के बाद। तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया गाइस, बहुत ही सही लग रहा है अभी। और यहाँ पर गाइस पूरा तालाब लग रहा है गाइस, छोटा मोटा हमारा स्विमिंग पूल है ना गाइस, तालाब लग रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, यहाँ पर हमने लगा दिया एक, ओके। और इस तरफ भी हम लगाएंगे अभी, जिससे यहाँ पर अंधेरा नहीं रहा होने वाली है गाइस, सही है। थोड़ा दूर दूर लगाएंगे तो सही है, और ये तो यहाँ पर तो है सही, सब कुछ सही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हमने पूरा लगा दिया गाइस, देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर भी एक लगाता होगा, हाँ सही है। और इसे तोड़ता होगा इसकी, ये सही नहीं लग रहा था, और यहाँ से बाद में मैं कुछ ब्लॉक ब्लॉक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। और अभी देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है गाइस, और अगर ऐसे पानी भी ले सकते हैं अभी भी, और इन्फिनिटी जैसा पानी ले सकते हैं, मतलब जितना पानी हमें चाहिए उतना पानी हम ले सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो गाइस ये होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा था गाइस, तो बोन मिल देने के बाद ये बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे पास बोन मिल ख़त्म हो चुके हैं। ओके गाइस तो बोन मिल तो ख़त्म हो, एक स्टैक बोन था उससे मैंने बनाया था सब कुछ, तो बोन तो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने बोन इकट्ठे किया था लिटरली, मैं आपको दिखाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी। तो बोन फिर से मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा ज़ॉम्बीज़ को मार मार के, मतलब स्केलेटन को मार मार के। तो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर से गिरते ही है स्केलेटन, तो उनसे मिल जाएंगे मुझे। तो इसे मैं अभी सही से लग देता हूँ गाइस, सही है। तो गाइस क्यों ना इस वीडियो में और एक चीज़ बनाया जाए गाइस, मतलब एक स्वॉर्ड बनाने की सोच, मतलब तलवार एक। तो गाइस मेरे पास मुझे चाहिए आयरन चाहिए, तो मैं काम करता हूँ इनसे ग्रावेल बनाता हूँ, और ग्रावेल से मैं आयरन इग्नेट बनाऊंगा, सही है। मैं दिखा दो आपको, देख लीजिए। तो यस जितने भी है गाइस उतने सारे मैं बनाऊंगा,
सही है, बहुत ज़्यादा मेरे पास कबल स्टोन है तो कोई दिक्कत वाली बाबी तो बात नहीं हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा तोड़ा हूँ कबल स्टोन, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वही काम में आ रहा है आजकल। सही है, और ये देख सकते हो कि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा नगेट्स निकालूंगा, आयरन नगेट्स, और इनसे मैं बनाने वाला हूँ आयरन स्वॉर्ड गाइस, मतलब एक तलवार। सही है, और तो ओके 64 हो चुका, पूरा एक स्टैक हो चुका है गाइस, और इनसे मुझे मिलने वाले हैं 7, एक स्टैक से आपको मिलने वाले हैं 7। सही है, और अभी लकड़ी चाहिए तो, और अभी देखता हूँ मैं तलवार कैसे बनाता है बताता हूँ। ऐसे करके आपको रखना पड़ेगा दो, मतलब दो आपको आयरन चाहिए, आयरन इग्नट, इग्नट नहीं आयरन ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक भी नहीं, इसे क्या कहते हैं, ओके तो ठीक है, आयरन चाहिए और एक लकड़ी चाहिए तो हो जाएगा आपका। सही है, कोई दिक्कत वाली, तो मैंने बना लिया, ये देख सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनसे हम ज़ॉम्बी मार सकते हैं गाइस, बहुत अच्छा नीचे। तो इस वाले वीडियो में गाइस हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाया, एक फार्म दिखाया तो, और कैसे आपको फार्म में पानी लाना है, पानी कैसे बनाना है वो भी दिखाया गाइस। सही है, और आयरन कैसे मिलता है गाइस वो भी दिखाया, आयरन से कुछ टूल भी बनाकर हमने दिखाया गाइस इस वीडियो में, तो बहुत सारी चीज़ें किया गाइस। तो अभी बारी है इस एंडरमैन की, जो बहुत देरों से मैं देख रहा हूँ तो इन एंडरमैन को गाइस, तो बहुत परेशान कर रहा था मुझे, मुझे मिलेगा क्या पता नहीं, तो देखते गाइस मुझे मिलता कि नहीं, मतलब ये एक शॉट में ओके एक बार में मर गया, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं मिला, तो बाद में मिल जाएगा एंडरपल। तो मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखा था, मेरे पास था एक एंडरपल, कहाँ से मिला था आपको पता है एंडरपल कैसे मिला था, तो देख सकते हो गाइस आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। सही है, और बोन मिल मुझे फिर से मिल चुकी है, और बोन मिल मैं फिर से यहाँ पर देने वाला हूँ। सही है, और ये देख सकते हो, और एक दो हाँ सही है, तो गाइस सही है, दो मोल बोन मील्स है गाइस, मोल कह रहा था कि मोल क्या चीज़ है, ठीक है गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो बोन मील से आपको एक ट्री बड़ा कर सकते हो, मैं ट्री मतलब कि एक बड़ा कर सकते हो आप सीड से, और इससे आप चीज़ें बना सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। और तो मुझे दो सीड मिल चुके हैं, देखा गाइस, एक तोड़ने के बाद मुझे दो मिल चुके हैं गाइस, देख रहे हो कि मैंने जो कहा था कि एक तोड़ोगे तो दो मिलेगा, दो तोड़ोगे तो चार मिलेगा, चार तोड़ोगे तो पाँच, चार तोड़ोगे तो आठ मिलेगा, तो ऐसे ही बढ़ती रहती है, दो के साथ गुना होता जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मेरा खेत। सही है, तो मैं जल्दी से कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं ये सारा पूरा खेत बना दूँगा। सही है, पूरा खेत भर जाएगा मेरा, मुझे पता है, और क्योंकि ऑफलाइन में खेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा गाइस। सही है, तो मैं लगाता हूँ पहले, ओके तो मैंने लगा दिया, और पानी भी यहाँ पर है जिससे वजह से इन लोगों का बहुत अच्छी होगी गाइस, वैसे भी पानी अगर ना दो ना गाइस तब भी उग जाती है ये लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये तो बस दिखावा है कि पानी देना चाहिए। सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाया, और ये देखो गाइस हमारे पास वोट भी आ चुके हैं, मतलब गेहूँ भी आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस अभी देखते हैं गाइस कैसे हम बना सकते हैं आइटम फ्रेम, वही कहता है आइटम फ्रेम, ऐसे क्या गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आइटम फ्रेम बनाने के लिए मुझे चाहिए कि ये वाला चीज़ स्टिक चाहिए, मतलब लकड़ी स्टिक चाहिए, स्टिक सही है, स्टिक चाहिए आपको, और मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टिक हो चुकी है। और स्टिक के साथ साथ आपको चाहिए क्या पता है गाइस, आपको चाहिए चमड़ी, मतलब ये खाल वगैरह होती है ना गाइस, लेदर चाहिए, लेदर अच्छी भाषा में लेदर कहते हैं इसको। तो इस लामा को मारने से आपको लेदर मिल जाएगा, वो लामा होते हैं ना गाइस, उनको मारने से आपको लेदर मिल जाएगा। सही है गाइस, तो आपको मैं पहले मैं स्टिक बनाता होगा, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो स्टिक का भी ज़रूरत है, तो ऐसे करके रखना पड़ता है, अभी क्या हो रहा है, ओके तो स्टिक बन चुकी है अभी बहुत ज़्यादा। सही है, अभी स्टिक को ऐसे करके रखो, मतलब ये ऐसे, और मिडिल में आप लगा दो ये वाला लेदर, और ये देख सकते हो आइटम फ्रेम आपको मिल चुका है गाइस। ठीक है, तो और आइटम फ्रेम को आप यहाँ पर लगाने वाले ये बॉक्सेस के ऊपर गाइस, तो ऐसे तो नहीं लगने वाले, तो क्राउच करना और यहाँ पर प्रेस करना गाइस, तो क्राउच करके ऊपर प्रेस करने से ये लग जाता है गाइस। सही है, मैं सबके ऊपर लगाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। सही है, तो वैसे अभी देख सकते हो, ये देखो आइटम फ्रेम के ऊपर लगा चुका, और आइटम फ्रेम के ऊपर जो लेके आप क्लिक करोगे ना, वो आइटम फ्रेम के अंदर चला जाएगा गाइस। सही है, ये देख सकते हो, मैं अभी कबल स्टोन लेकर आइटम फ्रेम को क्लिक किया, तो कबल स्टोन आइटम फ्रेम के अंदर चला गया गाइस, ऐसे ही होता है। अब अगर फिर से क्लिक करोगे ना, इसको बाहर भी निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, वो बाहर भी निकल आएगा, अगर आपको ज़रूरत है तो बाहर ले सकते हो आप। सही है, और ये देख सकते हो, अब ओपनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, आइटम फ्रेम के ऊपर क्लिक करने पर ये ओपन नहीं होगा गाइस, आइटम फ्रेम के थोड़ा सा नीचे जो बॉक्स वाला थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सही है, आइटम फ्रेम के नीचे एक छोटा सा बॉक्स वाला जितना पार्ट है उस पार्ट में क्लिक करना, मतलब मेन बात है आपको बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ना कि आइटम फ्रेम के ऊपर। सही है गाइस, ऐसी ही बात है। सही है, तो गाइस अभी सारी चीज़ को मैं लगा देता हूँ, पहले कहाँ पर क्या लगाऊंगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, तो ऐसे पीछे देख सकते हो गाइस, मैंने पूरी तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया सब लोगों को, देख सकते हो कैसे कैसे मैंने कहाँ पर क्या एडजस्ट किया गाइस, पीछे देखो कितना बढ़िया लग रहा है गाइस।
तो गाइस आज का वीडियो तो गाइस यही तक इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। गाइस अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो को तो गाइस लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हो मैं आपका पसंद का गेम खेलूँ गाइस तो मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि ये गेम खेलो। अगर सब लोग कहेंगे कि ये गेम खेलो गाइस तो मैं वो गेम ज़रूर खेलने वाला हूँ। ऐसे ही तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।